हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। और आज बात करेंगे सीबी राजभाषा के लिए शब्दावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के विषय में। तो आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना, आई एग्जाम बी सीबी फेज वन एग्जाम के लिए प्री बोर्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा रहा है जो कि संडे 13 फेब को होगा। ये टेस्ट सभी के लिए फ्री है, इससे आपको अपनी तैयारी का पता चल पाएगा और बचे हुए एक सप्ताह में आप अच्छे से अपने वीक पॉइंट्स पर काम कर सकेंगे। साथ ही ये क्लियर करते ही आपको 70% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर ना करते हुए प्री बोर्ड का टेस्ट जरूर दीजिए और हम आशा करते हैं कि आप इस टेस्ट में सफल होंगे। आगे देखते हैं शब्दावली के किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत सामान्य शब्दावली है जो कि हम दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं, किंतु कभी कभी इनका अर्थ नहीं ठीक से समझ पाते हैं। तो आज ऐसे ही कुछ शब्दों को देखेंगे। देखिए, पहला है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द प्रीएम्बल का सही अर्थ नहीं है। प्रीएम्बल शब्द हम कई बार सुनते हैं, खासकर संविधान की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम प्रीएम्बल शब्द का प्रयोग सुनते हैं। और प्रीएम्बल शब्द का अर्थ उद्देशिका भी होता है, आमुख भी होता है और प्रस्तावना भी होता है। साथ ही प्रीएम्बल को प्रीफेस भी कहा जाता है, प्रोलॉग भी कहा जाता है, इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है और आप इसे बिगनिंग भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बात करी थी, संविधान के आरंभ में एक प्रस्तावना दी गई है जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है। और ये तीनों ही शब्द जो हैं वो प्रीएम्बल के समानार्थी शब्द हैं, लेकिन प्रस्ताव यहाँ पर प्रीएम्बल का अर्थ नहीं देता है, प्रस्ताव का अर्थ होता है प्रपोजल। तो इस तरह से प्रस्ताव शब्द यहाँ पर गलत है, बाकी सारे ही शब्द प्रीएम्बल का अर्थ देते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एफिडेविट शब्द का सही अर्थ है। एफिडेविट कई बार हम सुनते हैं, खासकर जब हम तहसील का काम करते हैं या फिर हम कानून से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहां पर भी हम एफिडेविट शब्द को बहुत सुनते हैं, जिसका अर्थ होता है शपथ पत्र। एफिडेविट अर्थात शपथ पत्र। भविष्य निधि को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, संशोधन को बोलते हैं अमेंडमेंट और सक्रिय शेयर को बोलते हैं एक्टिव शेयर। तो ये तीनों ही एफिडेविट के अर्थ नहीं है, एफिडेविट के लिए सही अर्थ होता है शपथ पत्र। अगला प्रश्न है, प्रोबेशन पीरियड के लिए एक शब्द है। प्रोबेशन पीरियड भी हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन हिंदी में इसका अर्थ यदि हमसे पूछा जाता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड, जब भी हम कोई नई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर हमें एक टाइम मिलता है जहाँ पर हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम इस जॉब के लिए कितने योग्य साबित हुए हैं, तो उस पीरियड को कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। लगभग सभी जगह पर ये प्रोबेशन पीरियड रखा जाता है 1 ईयर का, इसको कहते हैं हिंदी में परिवीक्षा काल। परिवीक्षा अर्थात आपके परीक्षण का जो समय है उसको कहा जाता है प्रोबेशन पीरियड। इसमें अस्थाई को आप समझते हैं, जो चीज स्थाई नहीं है, प्रेषक कहते हैं सेंडर को, और जो संचलन शब्द है उसका अर्थ होता है सर्कुलेशन। तो इसका सही उत्तर है परिवीक्षा काल। आगे देखिए, प्रमाणीकरण शब्द का अर्थ किस अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द में है। और प्रमाण करने को कहते हैं ऑथेंटिकेशन। और इसमें अगर हम करिंगडम का अर्थ देखें तो करिंगडम, तो इसे हिंदी में कहा जाता है शुद्धि पत्र अवधि। और वैलिडेशन को अगर हम देखें तो वैलिडेशन के लिए शब्द आता है मान्यता, और एन्युइटी के लिए शब्द आता है वार्षिक। तो ये तीनों ही प्रमाणीकरण के सही अर्थ नहीं बैठते हैं, इसका सही अर्थ है ऑथेंटिकेशन। आगे देखिए, डिपेंडेंट शब्द का अर्थ नहीं है। चूंकि सेबी में विधिक शब्दावली भी आती है तो विधिक शब्दावली के भी कुछ शब्दों का प्रयोग हमने किया है यहाँ पर। जैसे देखिए, डिपेंडेंट कहा जाता है प्रतिवादी को भी, अभियुक्त को भी और बचाव पक्ष को भी। यहाँ पर उद्घोषक जो शब्द दिया गया है वह डिफेंडेंट का मीनिंग नहीं देता है। और डिफेंडेंट के अतिरिक्त आपसे रिस्पोंडेंट भी पूछा जा सकता है, कि रिस्पोंडेंट का अर्थ भी प्रतिवादी, अभियुक्त और बचाव पक्ष होता है। और डिफेंडेंट और विधिक शब्दावली में अभियुक्त या बचाव पक्ष वह पक्ष होता है जिसके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमे में आरोप लगाया जाता है।
इसे मुलजिम भी कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिस पर इल्जाम लगा हो, आरोप लगा हो, उसे कहा जाता है डिफेंडेंट। तो डिफेंडेंट के तीन अर्थ हैं, प्रतिवादी, अभियुक्त और बचाव पक्ष। उद्घोषक इसका अर्थ नहीं देता है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्टेट का हिंदी अर्थ है भारत सरकार प्रतिष्ठान, राज संपदा, भारत सरकार उपक्रम और राजकोषीय। तो यहाँ पर बात की जा रही है सरकारी संपत्ति की, और सरकारी संपत्ति को ही यहाँ पे बताया जा रहा है राज संपदा से। यहाँ पर जो भारत सरकार प्रतिष्ठान है, इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज करते हैं। भारत सरकार उपक्रम के लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज शब्द का प्रयोग उपक्रम के लिए होता है, जो कि यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। और राजकोषीय जो यहाँ पर एक शब्द दिया है, इसको कहा जाता है फिस्कल पॉलिसी, तो फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पर ठीक नहीं बैठता है। गवर्नमेंट एस्टेट का अर्थ होता है राज संपदा या फिर सरकारी संपदा। अगला है, नगदी के लिए अंग्रेजी शब्द है, नगदी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, कैश इन हैंड, हार्ड कैश, कैश पेमेंट या फिर पेड, तो नगदी शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है हार्ड कैश। इसके बाद है बेल, बेल भी विधि शास्त्र में प्रयोग किया जाता है, बेल के लिए अंग्रेजी शब्द है अभियोग, जमानत, पाबंदी और विधेयक। तो बेल शब्द हम अक्सर सुनते रहते हैं, बेल का अर्थ होता है जमानत। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विधेयक, जो इसी से मिलता जुलता है, बेल कहते हैं जमानत को और विधेयक को कहते हैं बिल। तो बिल विधेयक और जमानत के लिए बेल, अभियोग के लिए शब्द आता है इंडिक्टमेंट और पाबंदी के लिए शब्द आता है बैन। तो बेल जमानत, पाबंदी बैन और विधेयक बिल, और अभियोग का अर्थ होता है इंडिक्टमेंट। तो यहाँ पर बेल के लिए सही शब्द है जमानत। अलॉटमेंट के लिए एक अंग्रेजी शब्द है, अलॉटमेंट कहते हैं किसी चीज का आवंटन करना, और कई बार हम अलॉटेड शब्द को भी देखते हैं, तो दोनों का ही अर्थ आवंटन होता है। पंजीयन के लिए रजिस्ट्रेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, निस्तारण के लिए कंट्रोल शब्द का प्रयोग किया जाता है, और संशोधन के लिए अमेंडमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अलॉटमेंट के लिए एक शब्द है आवंटन। अगला है मेमोरेंडम, ये भी हम सरकारी कार्यालयों में काफी शब्द को सुनते हैं। मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन, जबकि सूचना को हम इंग्लिश में कहते हैं इन्फॉर्मेशन, विज्ञप्ति को कहा जाता है रिलीजेस, और अधिसूचना को कहा जाता है नोटिफिकेशन। मेमोरेंडम के लिए शब्द आता है ज्ञापन। तो इस तरीके के कुछ सामान्य शब्द भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, साथ ही इंटरव्यू में भी आपसे ये छोटी छोटी शब्दावली पूछी जाती है। तो आप इसी प्रकार के शब्दों को तैयार कीजिए, और अधिक तैयारी के लिए आप IExamB को भी चुन सकते हैं, और हम हमेशा आपके मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं। तो आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा दीजिए। आपकी परीक्षा के लिए शुभकामनाएं।